नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद के देशी नुस्खे में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आया दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बट को स्मूथ और फेयर बनाने के दो होममेड स्क्रब के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों कि होममेड स्क्रब कैसे बनाएंगे और इससे अपने बट को कैसे स्मूथ एंड कैसे फेयर बनाएंगे दोस्तों। तो आज ही इन दो स्क्रब को कैसे बनाएंगे और कैसे इसका इस्तेमाल किया है, एक्चुअली इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे बनाना है सर दोस्तों, तो आज होम रेमेडी दो स्क्रब बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बता दूँ, आजकल के ज़माने में हमारे शरीर का सबसे नज़रअंदाज हिस्सा है जो हमारे हिप्स होते हैं यानी बट। हम चेहरे और बालों की सुंदरता प्रदान करने के लिए ढेर सारे रुपये खर्च करते हैं दोस्तों, मगर बट को यूँ ही छोड़ देते हैं दोस्तों। तो हमारे शरीर के सबसे नज़रअंदाज हिस्सा का हमारे हिप्स होते हैं यानी बट होते हैं, और हम चेहरे के बालों को सुंदरता प्रदान करने के लिए ढेर सारे रुपए खर्च करते हैं मगर बट को यूं ही छोड़ देते हैं। जब भी बिकनी पहनने या की बात आती है अक्सर लेडीज एक झिझक देखने को मिलती है, लेकिन अब आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपके लिए एक घरेलू स्क्रब लेकर आए हैं यानी होम रेमेडी लेकर आए हूँ जो बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही अट्रैक्टिव और आसान है। होम रेमेडी अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं दोस्तों और इस स्क्रब के मदद से दोस्तों अपने बट को साफ, मुलायम और बहुत ही फेयर बना सकते हैं और फेयर बनाने में आपको मदद भी करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, इन स्क्रब को आप हफ्ते में दो या तीन बार ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों, ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है बहुत जल्द ही मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब तक हमारे चैनल आयुर्वेद के देसी नुस्खे को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नए नए वीडियो के अपडेट्स आएंगे आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना दोस्तों, अपनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन कीजिए। आप वीडियो जो देख रहे हैं वीडियो के नीचे लाल कलर का आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का जो नंबर वन स्क्रब जो है दोस्तों हनी और शुगर का स्क्रब है। इसे बनाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जस्ट होल्ड। सबसे पहले आप एक चम्मच शक्कर ले लीजिए, आप ये मेरा स्पून काफ़ी छोटा है दोस्तों, तो मैं इसमें दो चम्मच स्क्रब ले लेता हूँ, दो चम्मच शुगर ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें आपको दो चम्मच शहद मिला लीजिए, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शहद दिखाता हूँ जस्ट होल्ड। ये शहद देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आप ले लीजिए एक मिनट, एक चम्मच शक्कर में आपको दो चम्मच शहद मिलाना है, ये रहा आपका। दो चम्मच शहद और आधा चम्मच जो है आप नारियल तेल मिला लीजिए इसमें, साइड में रख दीजिए, इसमें आधा चम्मच आप ये नारियल तेल मिला दीजिए, ठीक है। और एक चम्मच नींबू का रस मिलाना है दोस्तों इसमें, तो ये देखिए नींबू का जो रस है ये एक चम्मच नींबू का रस मिला दिया दोस्तों इसमें, और इसे आप हटा दीजिए, ये जो इसका बीज है इसे साइड, ठीक है दोस्तों। नींबू का रस मिलाएं, अब इसे मिश्रण को मिला ले, पहले अच्छी तरह से मिला ले, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका जो मिश्रण जो है तैयार हो चुका है दोस्तों, ये जो है इसे बनाने के लिए दोस्तों 1 टेबल स्पून शक्कर चाहिए, 2 टेबल स्पून शहद और
हाफ टेबल स्पून नारियल का तेल और एक चम्मच यानी 1 टेबल स्पून नींबू का रस मिलाइए दोस्तों। अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप क्या कीजिए, इसे अपने बट यानी हिप्स पे लगाइए। हिप्स के लगाने के 2 मिनट तक गोलाई, हिप्स के जो गोलाई में स्क्रब करें 2 मिनट तक, और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे आप हफ्ते में 3 बार करें और आपको जरूर फर्क दिखेगा दोस्तों। बाकी अपने फ्रेंड्स अपने अनुसार या जो मैंने मात्रा बनाई आपको सिखाने के लिए दोस्तों बनाए कैसे बनेगा दोस्तों, बाकी अपने यूजेस के अनुसार आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और इसके स्टार्टिंग जो फ्रीक्वेंसी रहेगी कम से कम आपको हफ्ते में 3 बार करना ही करना है दोस्तों, बाकी ये घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और इसका फ़र्क जो है आपको विद इन 1 वीक के अंदर से आपको दिख जाएगा दोस्तों। तो नंबर 2 जो है आपका स्क्रब है वो आपको सॉल्ट सी और नारियल का तेल से बनने वाला दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ नंबर 2 जो है। इसमें आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये रहा सॉल्टेड सी, और इसमें आपको दोस्तों अपने जरूरत अनुसार आप बनाएं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैंने ये 2 स्पून मैंने डाल लिया ये सॉल्टेड सी, और इसमें आपको दोस्तों मिलाना है आपको नारियल तेल। ठीक है, यानी 2 टेबल स्पून जो है आपको सॉल्टेड सी लेना है और 2 टेबल स्पून नारियल का तेल मिला लीजिए। ठीक है दोस्तों, नारियल के तेल मिलाने के बाद इस मिश्रण को अच्छे से पहले ऐसे मिला लीजिए दोस्तों। दोनों को मिक्स करने के बाद इसे अच्छे तरह से मिलाइए ऐसे। देख रहे हैं दोस्तों मैं कैसे मिला रहा हूँ। अब इसे जब ये मिश्रण तैयार हो जाए तो इसे अपने बर्ड पे लगाइए और स्क्रब कीजिए। ऐसा हफ्ते में आपको 3 से 4 बार करना है दोस्तों। बाकी अपने ये जो मैंने बनाया जो इसे अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था और अभी बताया, इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका 2 आज की वीडियो में बस इतने हैं। ये आपके नंबर 1 जो रहा ये शुगर और हनी से बना हुआ स्क्रब है, और नंबर 2 जो है आपका ये सॉल्टेड सी एंड नारियल तेल से बना हुआ स्क्रब है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है।